आज की एक और बड़ी खबर जान लीजिए। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जुबान से मिसेस गांधी निकला तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से लगातार पूछताछ कर रहा है। घोटाले में सोनिया गांधी का नाम उछलने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने सरकार से पूछा है अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट से क्यों हटाया गया, अगस्ता वेस्टलैंड को मेक इन इंडिया में शामिल क्यों किया, FIPB से निवेश की इजाजत देकर हेलीकॉप्टर उत्पादन की इजाजत क्यों दी, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस हारने के बाद अपील क्यों नहीं की, मिशेल का इस्तेमाल खुद के घोटाले छिपाने के लिए क्यों कर रहे हैं। आपने ब्लैकलिस्टेड अगस्ता वेस्टलैंड को मेक इन इंडिया का हिस्सा क्यों बनाया? आपने ब्लैकलिस्टेड अगस्ता वेस्टलैंड को 2017 में 100 नेवल हेलीकॉप्टर की निविदाओं में हिस्सेदारी की अनुमति क्यों दी? कांग्रेस के आरोप का जवाब बीजेपी ने भी दिया है। वापस लाए, घूस देने वाले को वापस लाए, प्रक्रिया के माध्यम से लाए, वो चोरी या चोर हो सकते हैं क्या? दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था कि क्रिश्चियन मिशेल ने श्रीमती गांधी और इटालियन महिला के बेटे का नाम लिया था। ये है ABP News, आपको रखे आगे।